कुछ देर बाद भारत और न्यूजीलैंड का T20 मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू होगा। करीब 8 साल बाद किसी तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जयपुर के अंदर खेला जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं जो फैंस की भीड़ है वो स्टेडियम के बाहर पहुंचना शुरू हो चुकी है। उनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं किस तरह का उत्साह है। 8 साल बाद ये मैच हो रहा है, किस तरह चीयर्स करेंगे अपनी टीम को? सर, काफ़ी दिनों बाद जयपुर में ये मैच हो रहा है तो सभी जयपुर राइट्स में काफ़ी उत्साह है। दूर दूर से भी लोग काफ़ी देखने आए हैं और हम चाहेंगे कि आज रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग करे और इंडिया का हाईएस्ट स्कोर करे और हम ये मैच जीते। आप क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे मैच देखने आए, किस खिलाड़ी को देखने आए आपके? रोहित शर्मा और केएल राहुल बहुत अच्छी पारी खेलेंगे और इंडिया ही जीतेगी। इंडिया जीतेगी। आप कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं कि आज? हाँ सर, हम बूंदी नेणवा से आए। रोहित शर्मा को देखने आज इतिहास रचा जाएगा 8 साल बाद वापस। इससे पहले भी रोहित शर्मा ने धमाकेदार पारी खेली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या कहना चाहेंगे? हम बिलवाड़ा आसीन से पहुंचे हैं और आज रोहित शर्मा शतक मारेंगे, काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा और इंडिया जीतेगी। बिल्कुल ये बिल्कुल जो समर्थक हैं यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। 7 बजे से यहाँ पे मैच शुरू होगा, लेकिन इसी बीच जो उत्साह के लिए जो तिरंगे हैं वो भी यहाँ बेचे जा रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर जो तिरंगे हैं उनको यहाँ पर बेच रहे हैं। इसके अलावा जो सेलिब्रेशन को लेकर जो सामग्री है वो भी यहाँ पर बेची जा रही है। आप देख सकते हैं तिरंगे हैं और इसके अलावा टी शर्ट्स, ये छोटे छोटे तिरंगे, कैप इंडिया की, और ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर रखी गई है ताकि अपनी टीम को यहाँ पर चीयर्स किया जा सके। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है उसके भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, आला अधिकारी है, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसका यहाँ पर लगातार जायजा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आज जो लोग हैं वो रोहित शर्मा को यहाँ पर बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी पारी इससे पहले जयपुर में यहाँ पर खेली थी। जयपुर से ETV भारत के लिए आदित्य आत्रे।